चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों के प्रदेश स्तरीय मुकाबले की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 93,000 प्रतिभाशाली विद्यार्थी 30 साल के फ्री इंटरनेट के साथ स्मार्ट टैबलेट उनको दिए जाएंगे और सीएम के इस घोषणा का लाभ 8वीं 10वीं और 12वीं के बच्चों को मिलेगा। 1,00,000 के लगभग टैबलेट देंगे। पिछली बार आपको याद होगा 2012-13 के हमने 1,16,000 छात्रों को हमने लैपटॉप दिए थे उस वक्त, फिर सरकार बदल गई, वो स्कीम खत्म कर दी। अभी क्योंकि 2-3 साल बटे नहीं हैं, हम एक साथ बांट रहे हैं, लगभग 1,00,000 हो जाएंगे टैबलेट। जमाना आईटी का है, मोबाइल फोन का। 1,35,00,000 महिलाओं को, उनको जो स्मार्टफोन दे रहे हैं 3 साल की इंटरनेट सेवा फ्री, ये उस परिवार में क्रांति होगी जिसके साधन नहीं, जिनके पास पैसे वाले की बात छोड़ दीजिए, उनके पास तो मोबाइल 1 नहीं 2-2 होंगे 3-3 होंगे, पर जो साधनहीन लोग हैं उनके घरों में स्मार्टफोन जाना 3 साल की इंटरनेट सेवाओं के फ्री, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कदम है ये। और उससे बच्चे पढ़े की बात है तो ऑफलाइन पढ़े तकलीफ आई थी लोगों ने, ऑनलाइन भाग लेंगे वो लोग।